नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियोस देखने जा रहे हैं इसमें गोदी मीडिया के कुछ बेहतरीन बेइज्जती और चाटुकारिता के कुछ बेहतरीन उदाहरण देंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सुधीर चौधरी से। हमारा इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर एक पुराना मुजरिम खुद को लाइव न्यूज पे डॉक्टर मानकर खबरों का DNA करता है और कैसे वही मुजरिम अपने देशवासियों को कानून के पाठ पढ़ाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि हिजाब के मामले में अंतिम फैसला आने तक छात्र और छात्राएं स्कूलों में न तो हिजाब पहनकर आएंगे और न ही भगवा रंग का गमछा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सोमवार से कर्नाटक के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन समस्या ये है कि अब हिजाब वाली ये आग देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पढ़ने वाली एक 21 साल की मुस्लिम छात्रा ने आज ये कहा कि अगर उसे हिजाब पहनकर क्लास में नहीं पढ़ने दिया गया तो वो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा देगी। स्कूलों में फैल रहा सांप्रदायिकता का ये संक्रमण कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन इसकी वैक्सीन कब आएगी? इस वायरस की वैक्सीन का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आज हम आपको बताएंगे कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारे देश के 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ छात्र इस वायरस से बच सकते हैं। अगला वीडियो हम देखेंगे एक जबरदस्त निष्पक्ष पत्रकार का जो अपने ही चैनल पर बैठकर दिन भर खुद की बेइज्जती करवाता है, और यही नहीं जो लाइव TV न्यूज पर शरेआम अराजकता फैलाने का काम करता है, और जो सभ्य लोग हैं वो ऐसी न्यूज कतई देख ही नहीं सकते। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? अरे भाई, हम तो लंबे सपने देखने वाले और लंबे सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में सपना देखा कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उस सपने को पूरा करने के लिए, कई जीवन लगाने के लिए जो पीढ़ियां तैयार रहती है उसमें से तुम्हें छोटा सा अंश हो, और इसलिए मेरे में धैर्य है। मैं 7 तारीख के पहले ही इसको करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर कोर्ट 7 तारीख ही कहे तो मैं 7 तारीख को आपके पास लेकर। अगला क्लिप बेशक थोड़ा पुराना है, पर जो इस इंटरव्यू में प्रकाश राज ने सुदर्शन न्यूज के गोदी चाटुकार सुरेश को धोया है, ये आने वाले समय तक लोगों को चाटुकारिता का स्तर याद करवाता रहेगा। संसद पर हमला करने वाला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको फांसी की सजा दी, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा ये करवा दी, कंटिन्यू करवा दी, उसकी दया नहीं सुनी, ऐसे व्यक्ति का भी कोई ह्यूमन एंगल होता है? मतलब जो दूसरे की ह्यूमन राइट छीन लेता है उसकी ह्यूमन राइट कैसे? ह्यूमन एंगल होता है जी, अमर खालिद का ह्यूमन एंगल है, कैसे हो आप उसको है? समझते ना, एक बात को लेके आप बट 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 कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन प्रज्ञा ठाकुर? प्रज्ञा ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीट? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला आया ही नहीं ना? आया है ना, आएगा ना, आया है ना, अभी कोर्ट में तो है। अगले क्लिप में लाइव डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और गोदी पत्रकारों के मुंह पर ताले लगवा दिए, और दोनों के दोनों बस हाथ मलते नजर आए। जो जिसका सब्जेक्ट होता है ना उस पर नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि धज्जियां उड़ जाती हैं आपकी, और अब आपकी मैं धज्जियां उड़ानी शुरू करती हूँ। अब सुनिए, आपने किसान की आय दुगनी करनी थी फरवरी 2022 तक, आज किसान की आय कितनी है? 27 रुपया प्रतिदिन। क्या हुआ उस वादे का? क्या हुआ $5 trillion इकोनॉमी का, जरा ये भी बताइएगा। क्या हुआ 14 करोड़ रोजगार जो 2 करोड़ सालाना के हिसाब से बन जाने चाहिए थे, लेकिन अब वित्त मंत्री कहती है कि 60 लाख 5 साल में बनेंगे। तो 2 करोड़ से गिर के धड़ाम से अटके खजूर पर 12 लाख रोजगार बनाएंगे 5 साल में। तो ये हो गई इनकी अर्थव्यवस्था। अब इनकी असलियत बयां करती हूँ। जो झुंझुना बजाते हैं किसानों को बड़ा सम्मान देने का, सबसे पहले तो 9 करोड़ किसान अभी भी इससे बाहर है, वो अलग बात है। आप किसानों को देते हैं 6,000 रुपया महीना। अब दो बातें ध्यान से सुनना, डीजल बढ़ाकर, कीटनाशक का दाम बढ़ाकर, खाद का दाम बढ़ाकर, ट्रैक्टर ट्रॉली का दाम बढ़ाकर उनकी खेती की लागत को बढ़ा दिया 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, और देते हैं उनको 6,000। तो डाका किसकी जेब में आप डाल रहे हैं? किसानों की। तो अगले क्लिप में हम देखने जा रहे हैं हमारे गोदी मीडिया के भावुक पत्रकार दीपक चौरसिया की लाइव डिबेट में धज्जियां उड़ती हुई, और कैसे इनमें इतनी हिम्मत है जो इतनी गालियों और बद्दुआएं लेने के बाद भी ये जूतियां साफ करने से बाज नहीं आते।
तुम बकबक चौधरी कर रहे हो, अरे ये फैसला करना है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार के हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, दिखाने की हिम्मत है मुझमें, आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में? दीपक तुम ऑडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।